This is Gangan Lookout Point in Newcastle. It's showing the distance to different cities. New York is 1,54,000 kilometer. Port Hedland is 4,000. Melbourne is 8,863 kilometer distance from this point. This is mesmerizing view of the Nelson Bay, Port Stephen. Look at this, guys, mashallah. Is side pe Salamander Bay hai. Ye samne aapko Nelson Bay nazar aa raha hai. Aur ye aapko jo do saraf pahad nazar aa rahe hain. इसके दरमियान में जब पिछली दफ़ा मैंने इसका लिया था, क्रूज शिप ली थी, तो ये आपको इसके दरमियान में से लेके जाते हैं मेन समंदर में, और ये पूरा ये मेन समंदर आपको नज़र आ रहा है, और ये उसका ये चैनल है जो इनसाइड आया हुआ है, और ये डिफरेंट बेस बने हुए हैं. अमेजिंग व्यू. अभी सनसेट भी होने वाला है. यू कैन सी आसमान के कलर जो है ना रेडिश हो गया. अभी चंद मिनटों बाद जो है ना ये सनसेट हो जाएगा. तो ये गैनगैन लुकआउट जो है ना न्यूकासल में है. ये नेल्सन बे से जस्ट पहले एक पॉइंट है. मेन पहाड़ी के ऊपर लुकआउट बनाया हुआ है. यहाँ से एक 360 डिग्री का व्यू ले सकते हैं. अमेजिंग, बहुत प्यारा मंजर है. ये पूरा ये सौरफ जंगल भी है, और इस साइड पे जो है ना इस साइड पे शोल बे है. मैंने कहा ना कि ये नेल्सन बे है, शोल बे इस साइड पे है. फिर ये सामने कुछ फिंगल बे है. फिर आगे है आपका आना बे है, और वहाँ सैंड यूज वहाँ काफ़ी पाए जाते हैं. और वहाँ जो है ना मैंने पहले भी विजिट किए थे, छोटी सी वीडियो मैंने बनाई थी. आई थिंक मेरे चैनल के ऊपर ऑलरेडी है वो वीडियो. तो ये एरिया बहुत प्यारा है. आप न्यूकासल के नॉर्थ के ऊपर जाएं या साउथ के ऊपर जाएं, साउथ के ऊपर जाएं बहुत सारे बीचेस हैं. 6-7 तो मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी, लेकिन नॉर्थ पे ये वाला इलाका भी बहुत प्यारा है. और एक वाह, इन दो पहाड़ों का कितना प्यारा व्यू आ रहा है. और ये दो ये पहाड़, ये देखें पहाड़, और उसके इस तरफ जो है ना समंदर है, पूरा मेन समंदर है. और ये कितना गोलाई में जाना, ये वो बना हुआ है, बे बना हुआ है. इस तरह की गोलाई जो बनी होती है इसको वो ये अक्सर ये बेग कहते हैं, डिफरेंट नाम दे देते हैं. और लेकिन जो मेन समंदर है वो बेसिकली ये सामने आपको इन दो पहाड़ों के उस तरफ है. ओके जी, वीडियो को एंजॉय करें, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.